तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ इकोजेन के बूथ पे। इकोजेन एक सोलर वाटर पंप की कंपनी है, पंप और कंट्रोलर ये लोग बनाते हैं और बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट होते हैं इनके। तो मेरे साथ है निखिल जी, निखिल चौधरी, ये हमें बताएंगे एक ना इनका अच्छा प्रोडक्ट आया। देखो इकोजेन के कंट्रोलर और पंप आप लोगों ने देखे ही होंगे, सब्सिडी वाले जो पंप पंजाब में लगे हैं, इकोजेन के बहुत जगह लगे हुए हैं। तो इनके कंट्रोलर की क्या खासियत है पहले वो जानते हैं, और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है जिनके पहले से ही इकोजेन के स्टार्टर लगे हुए हैं, उसको वो लोग इसको यूज़ करके अपने घर में बिजली के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मेरे को भी इतना नहीं पता, तो सर से जानते हैं। सर पहले कंट्रोलर के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या खासियत है अपने इकोजेन के कंट्रोलर। सर ये हमारा इकोजेन कंट्रोलर है, इसके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग होती है, फार्मर अपने घर पे बैठ के इसको रिमोट से ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है। और कोई भी अगर उसको कोई मोटर चेंज करनी है, एसी डीसी का हमारा एक ही रहता है, अगर उसको डीसी मोटर चलानी है वो भी चल जाती है, एसी मोटर चलानी कोई भी एसी मोटर वो भी चल जाती है, और घर से ये उसको ऑन ऑफ कर सकता है और घर पे बैठ के देख सकता है मेरी मोटर ने कितना पानी दिया है, कितने वोल्टेज पे चल रही है, कितना एम्पियर ले रही है, क्या सिम डलता है इसमें? हाँ, इसमें इसके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग रहता है ना, रिमोट मॉनिटरिंग में सिम लगा हुआ आता है, उसका रिचार्ज कराना पड़ता है अलग से। तो अभी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है सिंगल फेस के लिए। ओके। जैसे ये तो हमारा चल ही रहा था, जिनके लगे हुए हैं पंप के लिए, इससे सिर्फ पंप ही चलता है अगर खेत में लगा, इससे पंप ही चलता है, अगर ये लगाएंगे ना तो उनका घर का लोड पूरा चल जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, जो भी लोड है ना उसका, वो पूरा इससे चल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों के जो घर के पास लगा होता है, खेत में, खेत के पास घर होता है, जहाँ घर खेत में ही घर बनाया, तो वहाँ पे सोलर पंप अगर लगा है और वहाँ पे अगर आपने इकोजेन का कंट्रोलर लगाया हुआ है या सब्सिडी वाला लगा है, तो आप ये चीज लगा सकते हो। तो इस पे आप जिस दिन आपका वाटर पंप नहीं चल रहा, मान लो हफ्ते में दो दिन ही यूज कर रहे हो आप, तो बाकी दिन आपकी जो सोलर की एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, धूप तो पड़ी रही है उसके ऊपर, तो इसको लगा के आप लोग इससे अपनी जो घर का लोड है, टीवी, फ्रिज या जो नॉर्मल एक एचपी की मोटर है या कुछ भी चीज है, इससे आप चला सकते हो। और ये अलग अलग कैपेसिटी में आता होगा सर, मान लो किसी के तीन एचपी की मोटर है, पांच एचपी, साढ़े सात और दस, तीन के चार कैपेसिटी में आता है। अच्छा, चारों कंट्रोलर जितनी कैपेसिटी के आते हैं उतनी कैपेसिटी का ये लोड आता है, ये आता है, और इसको एड ऑन बोल सकते हैं, जिनके कंट्रोलर वो लगा है वो इसको लगा सकते हैं। और अगर किसी के मान लो इकोजेन का कंट्रोलर नहीं लगा, उसने चलाना है ये वाला सिस्टम लगाना है, तो सिर्फ आपको एक कंट्रोलर बदलना पड़ेगा, इकोजेन का लगाओ और उसके साथ ये वाली चीज लगाओ। और इतनी काम की चीज है ना दोस्तों, इसमें चार चीजें लगी हुई हैं, यहाँ पे आपको चार कनेक्शन कर देने हैं, घर का लोड कर लो, एक आप कोई छोटी मोटर है कोई पानी वाली उसका कर लो, और तीसरा अगर कोई आपका और पॉइंट है, थ्री फेस कोई मोटर घर में किसी चीज की लगी हुई है वो कर लो, और यहाँ पे बटन दिया है, जो भी चीज चलानी है उस पॉइंट पे करो और उसको जितना मर्जी यूज करो, दिन में कोई बैटरी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में अगर आपको कोई ज्यादा जानकारी चाहिए आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, किसी को ये लगवाना है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम इसके पंजाब में मतलब अच्छे लेवल पे इसका काम करेंगे, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है कि ऐसी भी कोई चीज़ आती है। बहुत से लोग पूछते हैं हमसे यार, जो ड्राइव है ना खेत में लगा हुआ है, पंप पैसे लगाए हैं, प्राइवेट लगाया हो चाहे सब्सिडी, तो फ्री पड़ा है, वेस्ट हो रहा है, किसी काम का नहीं होता, जब धूप तो पड़ रही है लेकिन पानी नहीं चाहिए, तो उसको लगाओ और बिजली का बिल भी बचेगा आपका जितना इसको यूज करेंगे, और मल्टीपर्पज चीज है, जिस भी चीज को आप चलाना चाहते हैं इससे चला सकते हैं। तो ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, मिलते हैं सर, थैंक यू सर।